हमेशा प्रश्न रहता है कि दो ग्रंथ हम अधिकतर सुनते हैं, गीता और भागवत, इन दोनों में विशेष अंतर क्या है? हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि दो ग्रंथ है, गीता और भागवत, क्या अंतर है? सर्वप्रथम हम जानेंगे भगवद गीता के विषय में। भगवद गीता क्या है? भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया गया एक गीत है। जैसे हम स्वाभाविक गुनगुनाते हैं, गीत गाते हैं, वैसे ये भगवान ने गीत गाया है। कहाँ, कौन से स्थान पर गाया है? तो ये कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर गाया है। वहाँ पर पांडव और कौरव इकट्ठा हुए थे युद्ध करने के लिए, उस जगह पर भगवान ने ये गीता का गान किया है। कहाँ पर मिलता है? महाभारत नामक ग्रंथ के अंदर मिलता है, जिसके अंदर 100,000 श्लोक हैं, उनमें से भीष्म पर्व के अंतर्गत ये गीता मिलती है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों के अंतर्गत कुल 700 श्लोक हैं, जिनमें से भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक का उच्चारण किया है और अर्जुन ने 84 श्लोक का उच्चारण किया है, संजय ने 41 श्लोक का उच्चारण किया और स्वयं धृतराष्ट्र महाराज ने 1 श्लोक का उच्चारण किया। इस श्रीमद् भगवद गीता के अंदर 5 विषय वस्तु का वर्णन है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और इन 18 अध्याय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। सर्वप्रथम के 6 अध्याय कर्म योग और 12 तक के वह भक्ति योग है और 12 से 18 ये ज्ञान योग। इन 3 भागों में डिवाइड किया है भगवान ने इस ज्ञान को। यह ज्ञान आज से लगभग 5,560 वर्ष पूर्व अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सब जीवों को दिया। क्यों? क्योंकि यह लुप्त हो गया था, परंपरा प्राप्तम, जो लुप्त हो चुकी थी उस परंपरा को बरकरार रखने के लिए, ये ज्ञान को प्रचलित वापस करने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सब जीवों को दिया है। इसलिए भगवद गीता हमेशा पढ़नी चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए। तो भगवान के द्वारा दिया गया ये अमूल्य ज्ञान है, उपदेश है, भगवान के द्वारा गाया गया ये गीत है, इसे हमेशा सुनना चाहिए या इन गीता को पढ़ना चाहिए, इनके श्लोकों को याद करना चाहिए। यह है बड़ी गीता की महिमा। और इससे ठीक विपरीत है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जैसे सभी देवों में महादेव श्रेष्ठ है, सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी पुराणों में यह ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पुराण सर्वश्रेष्ठ है। यह श्रीमद् भागवतम महापुराण व्यास देव मुनि ने जैमिनी ऋषि और गणेश जी के सानिध्य में बद्री का आश्रम में इसकी रचना की और इसके अंदर कुल 18,000 श्लोक हैं और अध्यायों की संख्या जाने तो इसके अंदर कुल 315 अध्याय हैं और 315 अध्याय के अंतर्गत कुल 1276 वाच हैं और इनके अंदर शब्दों को गिने तो शब्द कुछ 5,056 शब्द हैं इस श्रीमद् भागवतम महापुराण में। कुल 10 विषय वस्तु हैं, अत सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति निरोध मनमंत्र मुक्ति आश्रय, इस प्रकार से 10 विषय वस्तु हैं इस श्रीमद् भागवतम के अंदर। भागवतम की प्रचलित 4 कथाएं हैं जो विश्व विख्यात हैं। सर्वप्रथम शुक और परीक्षित का संवाद जो भागवत है, वह शुकताल नामक स्थान पर हुई है, जो भगवान के धाम में जाने के पश्चात, भगवान अपने धाम में चले गए, उनके जाने के पश्चात 30 वर्ष के बाद में यह भागवतम की कथा सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को सानिध्य में समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए श्रवण करवाया। ये कथा कब प्रारंभ किए थे? भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से प्रारंभ हुआ था ये भागवतम और सप्त दिन के पश्चात विराम किया गया था। दूसरा प्रसंग मिलता है जो सर्व बहुत विख्यात है, सनत कुमारों का। सनत कुमारों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को सानिध्य में रखकर नारद मुनि की प्रसन्नता के लिए स्वयं नारद ऋषि यजमान बने थे और हरिद्वार के आनंद
गन नामक स्थान में यह भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जो प्राय वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके थे उनके लिए चतुर कुमारों ने भागवत का ज्ञान दिया। यह भागवतम कलयुग प्राय आगमन हो चुका था, कलयुग का आगमन हो गया था, उस कलयुग के आगमन में यह श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया। यह कार्तिक मास में प्रारंभ हुए था, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में की नवमी तिथि से यह भागवत प्रारंभ हुई थी। तीसरा मिलता है गोकर्ण और धुंधुकारी का। गोकर्ण धुंधुकारी का संवाद जो है सुखदेव गोस्वामी ने जो कथा सुनाई थी उसके 200 वर्ष के पश्चात 200 साल के बाद में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में यह भागवत श्रवण करवाया था। और अंत में जो भागवत है वो भी विख्यात है, निमिषारण्य में इकट्ठा हुए कुल 28,000 ऋषि मुनियों को जो इस जगत के कल्याण के लिए इकट्ठा हुए थे उन ऋषि मुनियों को सुत गोस्वामी ने निमिषारण्य में यह कथा श्रवण करवाई थी। तो ये चार प्रख्यात प्रचलित है भागवत और वर्तमान समय में इसकी तीन परंपराएं हैं भागवत की। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि को, नारद मुनि ने वेदव्यास मुनि को, वेदव्यास मुनि ने सुखदेव गोस्वामी को और सुखदेव गोस्वामी ने शुक्रताल के अंदर परीक्षित राजा के सानिध्य में सुत गोस्वामी को ज्ञान प्रदान किया और इन सुत गोस्वामी ने निमिषारण्य में आकर फिर 28,000 ऋषि मुनि को ये ज्ञान प्रदान किया था। दूसरी परंपरा भगवान साक्षात संकर्षण अनंत शेष ने संकर्षण ने यह ज्ञान सनत कुमारों को प्रदान किया, सनत कुमारों ने सांख्यायन मुनि को, सांख्यायन मुनि ने पराशर ऋषि को, पराशर ऋषि ने मैत्री मुनि को, मैत्री मुनि ने गुजरात के संप्रास नामक क्षेत्र में विदुर जी को यह ज्ञान प्रदान किया। और तीसरा आता है तीसरी परंपरा स्वयं भगवान विष्णु अर्थात नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और ब्रह्मा जी शिव जी को ज्ञान प्रदान करते हैं और शिव जी के माध्यम से कभी कभी कुंभज अगस्त इत्यादि अनेकों ऋषि मुनियों को नारद इत्यादि को ये ज्ञान प्राप्त होता रहता है। तो ये भागवत की तीन मुख्य परंपराएं, चार स्थान पर भागवत की मुख्य कथा हुई है। भागवत के अंदर इस प्रकार से श्लोकास है, स्वयं व्यास देव जी की समाधि की भाषा है, 10 विषय वस्तु है इसके अंदर, 4 वेद, 108 उपनिषद, रामायण महाभारत जैसे दिव्य इतिहास ग्रंथ, वेदांत सूत्रों का सार है, सार सार समुद्रतम, ये सभी वेद पुराण उपनिषदों का सार है, इसको पांचवा वेद भी कहा जाता है। गीता और भागवत में इतना अंतर है। भागवत के प्रथम और दूसरा जो स्कंद है साक्षात भगवान के चरण कमल है, तीसरा और चौथा भगवान के दोनों जंघाएं हैं, पांचवा और छठा नाभि और उदर है भगवान का पेट, और सातवा आठवा भगवान के दोनों भुजाएं हैं, दसवा नौवा भगवान का कंठ है, दसवा मुखमंडल है, ग्यारहवा स्कंद जो है वो भाल अर्थात तिलक भाल माना जाता है, और बारहवा स्कंद भगवान का मस्तक या मुकुट उस पे लगे मोर पंख के समान है, साक्षात भगवान का स्वरूप है ये भागवत, भागवत और कोई नहीं। तो गीता और भागवत में इतना अंतर है। अगर सरल में समझे गीता भागवत के अंदर, तो गीता के अंदर भगवान ने बोला है और भागवत के अंदर करके दिखाया। गीता में बोला किस प्रकार से मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ, भागवत में वो करके दिखाया। गीता जीने का मार्ग दिखाता है, भागवत मरने का मार्ग दिखाता है। गीता किस प्रकार से जीवन को शुद्ध रीति से जीना चाहिए, भागवतम बताता है कि मरने के बाद में हमको कहाँ क्या स्थान मिलने वाला है, उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, किसने कैसी तैयारी की, ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। तो मुख्य ये अंतर है दोनों ग्रंथों में, गीता और भागवत में।